साहिबगंज में प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार साहिबगंज भाजपा जिला अध्यक्ष राम दर्श यादव के नेतृत्व में विवेकानंद चौक पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष राम दर्श यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की सरकार हर मोर्चा पर विफल साबित होता दिख रहा है। निरंकुश और तानाशाही सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में असफल है। आए दिन झारखंड में हत्या और बलात्कार दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। के साथ साहिबगंज जिला इकाई पूरे प्रखंड से ग्राम स्तर तक बूथ स्तर के कार्यकर्ता जो हैं, हम सब सरकार के विरुद्ध में बिल्कुल एकत्रित होकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष आगे भी करेंगे। इसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? बयान है जो बात को तोड़ मरोड़ कर करके प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान को ये लोग जो सरकार चुनाव के बाद भाजपा अध्यक्ष जो हैं सरकार के गिराने का काम करेंगे और उसको तोड़ मरोड़ का काम करेंगे, ये सच्चाई नहीं है। जबकि हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री ने ही बोले हैं कि भाजपाइयों को सरकार बनने चुनाव होने के बाद गिन गिन करके पकड़ पकड़ करके हम लोग मारने का काम करेंगे और हम लोग बख्शने वाले नहीं।